इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? नहीं तो बाद में आप यही बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। मिस्टेक ना हो इसके लिए हमको पूरा डिटेल में समझना होगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आर्क सेबर 7 प्रो की। तो ये आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वेट करो सब बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। इस पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डिसीजिव कंट्रोल देखने को मिले, काफी अच्छा डिजाइन दे रखा है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि ये कंट्रोल के लिए मेजरली रैकेट बनाया गया है। वो जो मैंने अभी पिछले रिव्यू करा था ये वाली वीडियो में एस्ट्रोक 100ZZ का, तो उससे थोड़े बहुत अलग फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो इस रैकेट के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ग्रिप साइज G5 है, वेट 4U एंड मैक्सिमम टेंशन 35 LBS। तो करंटली इस रैकेट से डेजा पोल खेल रहे जो मिक्स डबल में टॉप 5 रैंकिंग्स में आते हैं। तो इस रैकेट के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, आप MRP देखोगे तो 19,000 है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो ये रैकेट एक इवन बैलेंस रैकेट है, जो पिछले वाला रैकेट था हमारा एस्ट्रोक 100ZZ वो थोड़ा हेड हैवी रैकेट था, तो स्मैशिंग के लिए बेस्ट था, और ये रैकेट थोड़ा इवन बैलेंस है तो ये कंट्रोल इसका बेस्ट रहेगा। तो इसमें आपको अल्ट्रा पी फाइबर देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें पॉलीथाइलिन यूज करा गया मटेरियल जो आपके रैकेट को बहुत ही लाइट वेट और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करेगा अच्छी शॉक एब्जॉर्प्शन, तो आप जब भी शॉट मारोगे तो उसमें आपको लगेगा नहीं कि आपने शॉट मारा है, बहुत ही लाइट फील लगेगी। तो इस रैकेट के फ्रेम की बात करें जाए, ओवरऑल लुक मेरे को काफी अच्छी लगी है इस रैकेट की। अगर लुक्स की बात करें जाए तो मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूंगा। तो कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यूज करा गया, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है, सॉलिड फील तो है भाई। ये पूरा फ्रेम इसका बॉक्स फ्रेम है, जो भी आप शॉट खेलोगे तो इसमें आपको सॉलिड फील आएगी मारते हुए। इसका मेजर फीचर है पॉकेटिंग बूस्टर। पॉकेटिंग बूस्टर मेजरली क्या करेगा, पॉकेटिंग बूस्टर एक तरह का इलास्टिसिटी इंक्रीज करने का मटेरियल है जो आपकी फ्रेम की इलास्टिसिटी इंप्रूव कर देगा। तो इलास्टिसिटी इंप्रूव होने से क्या होगा, ये थोड़ा मीडियम फ्लेक्स से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका फ्रेम। जब भी आप शॉट मारोगे तो रैकेट का फ्रेम ज्यादा मूवमेंट होगी उसकी, तो मूवमेंट से क्या होगा कि आपकी स्मैश की स्पीड में थोड़ा ज्यादा मोमेंटम आएगा, तो उससे आपके डेफिनेटली स्मैश इंप्रूव होंगे। इसके फ्रेम की बात करी जाए तो इसके फ्रेम में ही सारी टेक्नोलॉजी घुसा दी है योनेक्स वालों ने। अगर आप इस रैकेट के फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो टॉप और बॉटम में आपको थोड़ा स्टिफ फ्रेम देखने को मिलेगा और साइडवेज आपको हाई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस रैकेट के स्वीट स्पॉट को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरे एडवांस फीचर्स जैसे टी एंकर, स्लिम शाफ्ट, पावर कैप एंड आइसोमेट्रिक शेप। और इस रैकेट के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, टॉर्क टू फ्लाइट शाफ्ट, इनहेंस आर्क सेबर फ्रेम एंड पॉकेटिंग बूस्टर्स। ये तो सारी हुई फीचर्स की बात, अब खेल के देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा आपके पूरा, क्योंकि मैं इस रैकेट को पहली बार ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? तो पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा इस रैकेट के बारे में, कमियां भी हैं वो भी बताऊंगा और पॉजिटिव है उसके वो भी बताऊंगा। तो चलिए अपने कोर्ट की तरफ चलते हैं। तो इस रैकेट को मैंने खेल के देखा तो पैरेलल वगैरह तो सही है, डिफेंस भी सही है बिल्कुल, बट अगर आप अटैकिंग प्लेयर हो तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, बिल्कुल भी नहीं। स्मैश मारते हो कोई पावर ही फील नहीं होती, अगर आप BG65 इसमें यूज करोगे तो कोई भी पावर नहीं है रैकेट में। रैकेट को जब तक खेल के आप टेस्ट नहीं करोगे उस रैकेट का आप पूरे तरीके से रिव्यू नहीं दे सकते। अगर आप इसमें BG65 करवाओगे गट तो आपसे खेलना ही नहीं जाएगा। अगर आपको खेलना इस रैकेट से अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरी माने तो अल्टीमैक्स BG66 अल्टीमैक्स ही करवाना है इसमें, तो उससे शायद इसकी थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो जाए। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस रैकेट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबाना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।